अबीर क्या अब मनीष और सुवर्णा की जिंदगी में वापस आ गया है? क्या अबीर अभी तक जिंदा था और इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी? मनीष सुवर्णा को जिस रेस्टोरेंट में लेकर पहुंचा है वहां पर एक अबीर नाम का लड़का आया है, लेकिन यहां वो अक्सर आता रहता है और यहीं पर जो है उसने अपनी जिंदगी के कई पल निकाले हैं। और जब मनीष को ये बात पता चली तो वो ये जानने को उत्सुक हो गया कि आखिर कौन सा वो लड़का है और कौन है वो, और क्या ये वही अबीर है जिसका नाम सुनते ही मनीष का दिल धड़कने लगा। हम आपको बता दें कि अब मनीष जैसे ही अबीर का नाम सामने आता है उसका नाम सुनकर बेचैन होने लगा है। उसकी बेचैनी इस हद तक बढ़ जाती है कि उसे इस बात पर विश्वास होने लगा है कि काश और शायद ये वही अबीर तो नहीं। और इसीलिए अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर अबीर आता तो है पर उसकी मुलाकात मनीष से नहीं हो पाती, लेकिन मनीष उस होटल वाले से पूछता नजर आएगा कि ये कौन है और ये अबीर को आप कब से जानते हैं। तो अब हम आपको बता दें कि वो होटल वाला उन्हें उस लड़के की यानी कि अबीर की पूरी कहानी बताएगा। वो बताएगा कि ये लड़का किसी से बात ही नहीं करता, जब से छोटा था तब से आता है और बहुत छोटे में जब वो यहाँ आया तो उसके बाद उन्होंने उसे यहीं रख लिया, खाली अपने साथ उसके पास एक तस्वीर ही थी। मनीष जानना चाहेगा कि क्या वो तस्वीर वो देख सकता है, और जब वो उस तस्वीर को देखेगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि पूरे परिवार की तस्वीर होगी। और मनीष इस बात को समझ जाएगा कि ये अक्षरा और अभिमन्यु का बेटा अबीर है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब धीरे धीरे अबीर की भी वापसी शो में होने वाली है? और अब वो दिन दूर नहीं जब मनीष को शायद ये भी पता चल जाए कि अबीरा भी अक्षरा की ही बेटी है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।